हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लूँ, अगर आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हो, यानी कि कैसे हटा सकते हो। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपना वीडियो कंप्लीट एडिट करते हैं, वीडियो अपना चैनल पर अपलोड करते हैं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों होता क्या है कि हमारे वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब कॉपीराइट क्लेम आने से बहुत से लोग डर जाते हैं कि क्या हमारा चैनल डिलीट हो जाएगा या हमारा वीडियो डिलीट हो जाएगा, क्या अगर हम मेरे चैनल पे अगर हम अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो क्या YouTube हमारा चैनल मोनेटाइज करेगा। तो दोस्तों, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, कॉपीराइट क्लेम से आपको कुछ नहीं होता। कॉपीराइट क्लेम से आपको सिर्फ एक फर्क पड़ता है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और वीडियो आपने अपने चैनल पे अपलोड किया है और आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो उसका जो भी इनकम होगा या जो भी उस वीडियो से पैसे कमाओगे तो जिसने कॉपीराइट क्लेम दिया है उसको आपको टोटल इनकम जो है उसको चला जाता है, ठीक है। यूट्यूब का एक रूल है, ठीक है। अगर आपका भी वीडियो कोई यूज कर लेता है, कोई दूसरा क्लिप अगर अपने वीडियो में वो डाल लेता है और आपने उसको कॉपीराइट क्लेम दे दिया और उसका चलो मान लेते हैं 1 मिलियन में उसका व्यूज चला गया, ठीक है, 1 मिलियन भी व्यूज चला गया, ठीक है। 1 मिलियन व्यूज जाने के बाद वो क्या होगा कि उसका इनकम टोटल है कि आपके एडसेंस में जुड़ने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपीराइट क्लेम काम करता है। तो कॉपीराइट क्लेम से कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, मतलब कॉपीराइट क्लेम से कोई भी दिक्कत नहीं होता है, आपका चैनल 100% मोनिटाइज होता है, आपका चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या कि अगर आपने कॉपीराइट क्लेम को हटाना चाहते हो तो किस तरीके से आप कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हो, तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हम अपने जो है स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप कॉपीराइट क्लेम रिमूव कर सकते हो अपने वीडियो से, ठीक है। अब दोस्तों करना कि यहाँ पे आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है स्टूडियो। सो दोस्तों यहाँ पे studio.youtube.com टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पे studio.youtube.com सर्च करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों करना कि यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। नीचे में जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये डायरेक्ट हमारा जो है यहाँ पे चैनल ओपन हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ करना नहीं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लोगो भी मेरा आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो AVS Smart FF के अंदर। और यहाँ पे आपको चले जाना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, 2 फिंगर से यहाँ पे जूम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वीडियोज पे चले जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। कंटेंट पे सेलेक्ट करना है, कंटेंट पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इन एलिजिबल कॉपीराइट, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है 16 तारीख को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था और 2023 को, तो यहाँ पे दिखा रहा है इन एलिजिबल कॉपीराइट क्लेम, ठीक है। और सारे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं है, सिर्फ इसी वीडियो पे है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताने लगा कि इसको कैसे रिमूव कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसको रिमूव करने के लिए सिंपल आपको करना है कि यहाँ पे कॉपीराइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कॉपीराइट के लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, ठीक, सी डिटेल्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। सी डिटेल्स पे क्लिक करोगे ना तो आपको एक रीडायरेक्ट करेगा, एक पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे दिखा रहे, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 2 कॉपीराइट क्लेम हमने दिया है, 2 कॉपीराइट क्लेम आया है DJ मारुति के तरफ से और सिद्धू गांडी के तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो एक आया है 19 पॉइंट पे, ठीक है, मतलब 19 सेकंड से लेकर और 35 सेकंड तक कॉपीराइट क्लेम आया है पूरा। और यहाँ पे देख सकते हो 34 सेकंड से लेकर और 47 सेकंड तक कॉपीराइट क्लेम आया है, दो कॉपीराइट क्लेम एक ही वीडियो पर आ चुका है, मतलब एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि दोनों के पास जो भी इस वीडियो से मेरा इनकम होगा वो कर जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मेरा वीडियो बनाया हुआ और मैंने मेहनत किया है और वो मेरा वीडियो का जो है पैसा वो लेकर जाए, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको रिमूव करने का तरीका बता दूं कैसे आपको इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल आपको करना क्या, यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे जाओगे ना तो थोड़ा सा जूम करोगे तो यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पहले हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रिम आउट सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे ट्रिम करोगे तो आपका वीडियो और जो कॉपीराइट जितना भी आया है उतना पार्ट आपका कट जाएगा, मतलब हट जाएगा, टोटल वीडियो भी डिलीट हो जाएगा वहाँ से, और आपका जो है कॉपीराइट वीडियो भी, मतलब कॉपीराइट म्यूजिक का जो भी हट जाएगा, तो जितना यूज किया है। तो दोस्तों आपको ये कभी भी नहीं करना, अगर चाहते हो कि वो पार्ट भी डिलीट हो जाए तो आप कर सकते हो इस यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रिप्लेस सॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है फिर से म्यूट सॉन्ग, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या, यहाँ पे आपको यहाँ पे रिप्लेस सॉन्ग, अगर आप चाहते हो कि अगर बैकग्राउंड में जो भी आपका म्यूजिक चल रहा है या किसी बैकग्राउंड को यूज किया हुआ म्यूजिक को, तो उसको रिप्लेस कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, आपको YouTube फ्री में देता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि म्यूट सॉन्ग, तो बहुत लोग क्या करेंगे, अगर आप म्यूट कर देंगे अपने वीडियो में तो वहाँ पे जो पार्ट होगा ना, तो वहाँ पे आपका जो इंगेजमेंट घट जाएगा, ठीक है। तो आपको कभी भी म्यूट नहीं करना है, मेरे हिसाब से आपको रिप्लेस सॉन्ग कर देना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिप्लेस सॉन्ग पे क्लिक करते हैं, आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हो, मतलब रिप्लेस कर दोगे तो आपका वो कॉपीराइट क्लेम जो वीडियो पे होगा वो हट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देख सकते हो यहाँ पे मतलब रेड रेड कलर का आ चुका है यहाँ पे डीजे मारुति की तरफ से, ठीक है। तो इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब यहाँ पे रिकमेंड भी करता है, यूट्यूब खुद अपने तरफ से म्यूजिक आपको देता है अपने वीडियो में यूज करने के लिए। अगर यूट्यूब लाइब्रेरी से अगर म्यूजिक आप अपने वीडियो में यूज करते हो तो आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम का इशू नहीं रहेगा, आपका वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब करना है, यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा साउंड ऑफ कर लेता हूँ, और कोई भी यहाँ पे कॉपीराइट म्यूजिक को यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक म्यूजिक हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला म्यूजिक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा ये वाला म्यूजिक सेव कर लेना है, यानी कि ऐड का ऑप्शन देगा, जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन देखो तो डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो जितना भी रेड कलर का ऑप्शन था वहाँ से म्यूजिक का जो है वो हट चुका है और ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि वो म्यूजिक हट जाएगा और यहाँ पे ये वाला म्यूजिक आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिंपल इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा मोबाइल का इशू है, यहाँ पे रेडी टू रिप्लेस सॉन्ग यहाँ पे आ रहा है और फिर से यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो है वीडियो पे यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम का जो है प्रोसेसिंग, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग इज प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोसेस में लग चुका है। तो दोस्तों एक जो वीडियो है यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आप कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है अभी ये हट जाएगा, तो दूसरा वीडियो का जो दूसरा जो कॉपीराइट क्लेम है उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप कॉपीराइट क्लेम को बहुत ही आसान तरीके से अपने वीडियो से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और दोस्तों मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।